हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी देखिए शाम का समय हो गया था तो मैंने सोचा कि चाय बना के पी लूँ। वैसे मैं डेली इस मतलब कभी भी कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कितने बजे चाय बना लेती हूँ। कभी मूड होता है थोड़ा पहले बना लेती हूँ, कभी मूड होता है तो बाद में। जैसे कि रुपेश के सर आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो उसी टाइम में बनाऊँगी, फिर खुद पी लूँगी और उनको भी दे दूँगी। पर आज मेरा मन पता नहीं क्यों पहले कर दिया चाय पीने का, तो इसीलिए चाय मैंने पहले ही बना लिया अपने लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो गई है शाम के 6:30 बज रहे हैं, नहीं 6:10 हो रहे हैं और मैंने बना ली है अपने लिए चाय। तो सोचा कि आप लोग को भी इन्वाइट कर दूँ, आप लोग भी पी लो गर्मा गर्म चाय। तो आइए इन्जॉय करते हैं हम लोग साथ में चाय, ले लीजिए। और मुझे कप में ना, मैं कप में चाय जल्दी नहीं पी पाती हूँ, इसलिए मैं ग्लास में ही अपने लिए लेके अपने लिए ग्लास में ही मतलब निकाल लेती हूँ। और एक ग्लास रुपेश का है, ये मानता नहीं है। मैं बोलती हूँ तुम चाय मत पियो, मुझे तो गंदी आदत लग ही गई है, पर ये मानता ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चाय लिया है, इसके लिए तो थोड़ा सा ही लिया है, अपने लिए मतलब ज़्यादा लिया है, इसको थोड़ा सा ही दिया है। और छवि मेरी चाय नहीं पीती है, छवि को चाय उतना नहीं पसंद है। अगर टोस्ट वगैरह आएगा ना या रोटी वोटी खाना रहेगा तो डुबा के खा के वो चाय मुझे दे देगी कि मम्मी आप चाय पी लीजिए, मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो अभी तो रुपेश देखिए यहाँ पर पड़ रहा है लेट करके, एक मिनट दिख नहीं रहा है, यहाँ अपने कोचिंग का होमवर्क कर रहा है। और छवि गई है खेलने, छवि कोचिंग नहीं करती है, सिर्फ रुपेश कोचिंग करता है। तो वो अपना होमवर्क कर रहा है और छवि चली गई है ग्राउंड में खेलने के लिए। प्लीज़ आगे वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों में और कमेंट करिएगा। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। सभी मैं छत पे आ गई थी, सोच रही थी कि थोड़ा पौधों में पानी दे दूं, पर पौधों में पानी तो है अभी। और आपको सोच रही थी कि बहुत दिन हो गया आप लोग को अपने यहाँ का व्यू नहीं दिखाया कि सावन में कैसा हो जाता है। बारिश तो ऐसे हो नहीं रही है, पर मौसम बारिश का बन के फिर पता नहीं क्यों नहीं बारिश हो रही है। और यहाँ पर बाकी एरिया में पानी जो है वो हो रहा है, बस हमारे यहाँ ही पानी नहीं हो रहा है। ऐसा इसको लंबा कर दो बेटा, नहीं ज़रूरत है, पानी सब में है। देखो सारे पौधों में, ये देखिए फ्रेंड्स सारे पौधों में पानी। आगे एक बार चेक कर लो कि पानी सब में है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें डाल देंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का व्यू कि मेरे यहाँ कैसा है अभी सावन के समय में। ये देख लीजिए, ये नीचे जो है वो चरी बोई हुई है और बाकी सब जो है पेड़ पौधे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मुझे सावन का महीना सबसे ज़्यादा पसंद है, पर इस साल नहीं मुझे अच्छा लगा क्योंकि बारिश हुआ ही नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ। और कल रात में मेरी सिस्टर जहाँ रहती है वहाँ पर रात से लेकर सुबह तक बारिश हुआ, पर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि 12:30 के लगभग में इतना काला बादल आया, पर फिर भी बादल जो है हवा के साथ उड़ गया, पानी नहीं बरसा। चलिए, और सुबह में मैंने पानी मतलब पौधों को डाल दिया था, सुबह शाम दो टाइम डालती हूँ, तो सुबह मैंने पौधों को पानी डाल दिया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि आज जो था थोड़ा बदरी धूप छाए था, तो इसकी वजह से पानी जो है वो अभी भी है। तो फिर कल डालूँगी पानी, थोड़ा सा मैं टहल लेती हूँ छत पर, फिर नीचे जाऊँगी दिया जोड़ने के लिए। और अभी बज गए हैं 6:30। तो फ्रेंड्स, आप लोग से बातें करते करते 7:45 हो गया था, दिया जोड़ने का टाइम हो गया था। तो नीचे आने के बाद मैंने पहले दिया जोड़ दिया, और एक दिया तो मंदिर में मैं जलाती हूँ, एक तुलसी जी के पास, एक गेट पे। तो तुलसी जी वाला जो है वो नहीं दिखाई पाई हूँ आप लोग को। और अभी मैं धूप जला लेती हूँ, धूप दिखा दूँगी, उसके बाद घंटी बजा दूँगी, तो हो जाएगी संध्या हमारी पूजा। और गेट पर भी एक दिया रख देती हूँ, हमारे यहाँ सभी के घरों में गेट पर एक दिया सब लोग रखते हैं। तो चलिए अभी गेट पर दिया रख देते हैं। तो अभी मैंने गेट जो है वो दिया मतलब सॉरी दिया जो है वो गेट पे रख दिया है। फिर उसके बाद से अंदर आई तो देख रही थी कि छवि स्कूल का होमवर्क कर रही थी, मैथ कर रही थी वो, उसे मैथ रिवीजन करने के लिए मिला था डिवाइड। और तब तक रुपेश के सर भी आ चुके थे,
तो वो बाहर पढ़ता है, बाहर वाले रूम में उसको मैं बैठा देती हूँ, वो वहीं पे पढ़ लेता है। और छवि अंदर अपना काम कर रही थी, खेल के आ चुकी थी ये, उसके बाद ये अपना जो मैथ का स्कूल का मिला था वर्क वो कर रही थी, तो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी देखिए सही है या गलत है। तो वही मैं उसे बता रही थी कि हाँ इसमें कुछ गलतियाँ की थी वो, तो मैंने वही बताया कि ये गलत है बेटा, आप सही कर लो। फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि बज गए थे, सर आए थे 7 बजे और हो गया था 8 बज गया था, उन जब सर गए 8 बज गया था। तो उसके बाद मैंने आज बनाई थी मीठी पूड़ियाँ। मीठी पूड़ी एकदम सिंपल रेसिपी है, इसलिए फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ आज, कभी फिर शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ। तो मैं ऐसी ही रेसिपी बता देती हूँ आपको। चीनी मतलब थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें चीनी लीजिए, चीनी को इतना मतलब घुला, इतना मतलब उसे मेल्ट कर दीजिए पानी में कि चीनी बिल्कुल दिखे ही ना। फिर उसी पानी से आप आटा लगा लीजिए, जैसे आप नॉर्मल रोटी पूड़ी की लगाते हो उस तरह से, और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा भी डाल दीजिएगा आप। तो फिर अच्छे से लगा लीजिए आटा, उसके बाद उसे 10 मिनट छोड़ दीजिए रेस्ट होने के लिए, उसके बाद बस पूड़ी की तरह तल लीजिए। बिल्कुल सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, सॉस के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने मतलब चावल फ्राई कर दिया था, क्योंकि छवि का फरमाइश था कि मुझे चाहिए मीठी पूड़ी और रुपेश का मुझे चावल फ्राई चाहिए। तो चावल फ्राई के लिए मैंने प्याज को मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक भुना है, फिर मैंने इसे मटर डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है। टमाटर के साथ ही मैंने रूटीन के मसाले जैसे हल्दी, गरम मसाला और नमक, बाहर वाला गरम मसाला है ये, घर का नहीं है। तो ये तीनों चीज़ मैं मतलब डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के और कवर करके रख दी थी। तो अभी देखिए मैं मटर चेक कर रही थी, मटर एकदम सॉफ्ट हो गया था, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया और चावल को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। और सॉरी इसमें मैं हींग और घी दिखाना आपको भूल गई, मुझे मतलब जब मैं घी डाल दी उसके बाद मुझे याद आया कि ओह आप लोग को तो मैंने ये दिखाया ही नहीं। तो घी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और चावल फ्राई रेडी है। उसके बाद मैंने समरसेबुल ऑन किया, जैसा कि सुबह एक बार सुबह मैं समरसेबुल चालू करती हूँ, एक बार शाम को। तो सुबह में जब चालू करती हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, नहाने जाते हैं, तब चालू करती हूँ। फिर शाम को जो भी दिन भर का काम हुआ रहता है, उसके बाद जितनी भी टंकी खाली रहती है तो मैं टंकी भी भर लेती हूँ और पीने के लिए पानी भी भर लेती हूँ। एक ड्रम भरती हूँ और एक बाल्टी एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कि कभी ड्रम खाली हो गया, लाइट नहीं रहा, तो ये बाल्टी मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। पानी को वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए पहले जो मैं बाल्टी में भरी रहती हूँ वो ड्रम में डालती हूँ, फिर एक बाल्टी ड्रम में और डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरा पानी भी वेस्ट नहीं होता है और दोनों पानी मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। तो अभी देखिए ड्रम मेरा जो है वो फुल हो गया है, मैंने बाल्टी भी एक बाल्टी मैंने पानी भर लिया है और इसे भी कवर करके अच्छे से रख दूँगी। फिर था थोड़ा सा बर्तन, जैसा कि कढ़ाई ही था जिसमें मैंने पूड़ियाँ और चावल फ्राई बनाया था, तो उसको मैं सोच रही थी कि लगे हाथ इसे भी साफ़ कर लूँ फिर किचन से बाहर निकलूँ। तो मतलब मेरा कढ़ाई भी देखिए साफ़ हो गया है। अब बाकी ज़्यादा बर्तन आज नहीं निकला है, बच्चे जब डिनर करेंगे तब बर्तन हो सकता है निकले, तो उसके बाद से मैं उसे साफ मतलब साफ़ ही कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिंक में छोड़ देती हूँ। तो बच्चों ने अभी डिनर कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि कल संडे है, कल मतलब मैं और छवि बाल अपना धुलेंगे, तो आज वही बाल में ऑयलिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी क्लिप ले लूँ आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग फुल वॉच कर लिया करिए, ज़्यादा नहीं 9 से 10 मिनट का ये रहता है, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि पूरा फुल वॉच कर लिया करिए। आपका बस 1-10 मिनट देना हमारे लिए वो बहुमूल्य हो जाएगा, वो वक्त हमारे वॉच टाइम में काउंट हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड जितने लोग सब्सक्राइब किए हो उन लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरा फुल वॉच किया करिए वीडियो। अच्छा भी के बालों में देखिए मैंने ऑयलिंग कर दिया, फिर अपने बालों में कर रही थी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं आपसे दूसरी अच्छी से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड।